हेलो दोस्तों, लेजर वेल्डिंग आज के समय में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड, इजी टू यूज, पावरफुल एंड सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वेल्डिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसके कुछ यूनिक एडवांटेजेस हैं। लाइक ये फास्ट है कंपेयर टू एनी अदर वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग क्वालिटी इज वेरी फाइन, आपको रिवर्क नहीं करना पड़ता है एंड आप वायर एंड विदाउट वायर दोनों ही प्रोसेस के साथ में वेल्डिंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पोर्टेबल फाइबर लेजर वेल्डिंग और एयर कूल्ड लेजर वेल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हम वाटर चिलर का यूज करते थे टू कूल डाउन द लेजर सोर्स एंड लेजर वेल्डिंग गन, बट पोर्टेबल लेजर वेल्डिंग के अंदर हम एयर का यूज करते हैं, जस्ट फैंस का यूज करते हैं जो मशीन के ऊपर लगे रहते हैं लेजर सोर्स को कूल डाउन रखने के लिए, जिसकी वजह से ये लेजर वेल्डिंग बहुत ही लाइट वेट है एंड आप इसको साइट पे इजीली कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी डिफरेंट लेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने अपने अपने पोर्टेबल लेजर वेल्डिंग मशीन्स के मॉडल को लॉन्च किया है, जो कि आपको इस वीडियो में देख पा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो फॉर एनी ऑफ द कंपनी। इस वीडियो का एम है आपको पोर्टेबल लेजर वेल्डिंग के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सो चलिए पोर्टेबल एयर कूल्ड लेजर वेल्डिंग के कुछ की फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि इसको नॉर्मली एक वाटर कूल्ड वेल्डिंग से अलग बनाती है, यूनिक बनाती है। नंबर वन इज पोर्टेबल वेल्डिंग का जो वेट है वो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू वाटर कूल्ड वेल्डिंग। इसका जो वेट है आपको 30 किलो से लेकर 30 केजी टू 60 केजी के बीच में आपको देखने को मिलेगा, 30 से 60 किलो के बीच में। डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल चूज कर रहे हैं एंड कितनी पावर का आप जो है पोर्टेबल लेजर वेल्डिंग यूज कर रहे हैं। एंड दोस्तों, इसी वजह से जो है इसको कैरी करना ईजी है, क्योंकि वेट ज़्यादा नहीं है। दैट्स वाई दिस इज द मेन फैक्टर ऑफ पोर्टेबिलिटी। सेकेंड इज पोर्टेबल लेजर वेल्डिंग की जो गन है वो बहुत ही लाइट है, स्पेशली जो मैक्स लेजर की X1 सीरीज है एंड MA1 सीरीज है, ऑलमोस्ट 680 ग्राम्स जो है आपका वेट है गन का। एंड वहीं पे एक नॉर्मली जो आपकी वाटर कूल्ड जो गन होती है उसका वेट ना करके आपका 1.5 केजीज तक जाता है। साथ ही साथ जो IPG की लाइट वेल्ड की जो गन है, जो IPG का लाइट वेल्ड मॉडल है पोर्टेबल, उसका भी वेट कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम है। सो स्पेशली अगर आप मेरे से जानना चाहेंगे, सो आई पर्सनली लाइक बोथ द मॉडल्स, IPG लाइट वेल्ड एंड मैक्स X1 सीरीज एंड MA1 सीरीज। ये दोनों ही मशीन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, लाइक आपका रेकस का भी मॉडल है, आपका GW लेजर का भी कुछ मॉडल्स हैं, बट उनका जो गन है वो थोड़ा मुझे हैवी लगा। नॉर्मल जो आपका वाटर कूल्ड वाला गन है GW के अंदर वही देखने को मिला है। सो कहीं ना कहीं जो मैक्स एंड IPG है, दे आर मेकिंग वेरी 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 पोर्टेबल फाइबर लेजर वेल्डिंग मशीन। एंड दोस्तों, थर्ड पॉइंट, इसमें हमें जो है टू मैनी डिफरेंट मोड्स ऑफ वेल्डिंग देखने को मिलते हैं। हम एक ही मशीन से डिफरेंट मटेरियल्स को वेल्ड कर सकते हैं, लाइक स्टील, माइल्ड स्टील, ब्रास, एल्यूमिनियम एंड डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के मटेरियल के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं एंड उनको सेव करके रख सकते हैं। दोस्तों, रेस्ट थिंग इज सेम जो कि हमारी एक नॉर्मल वेल्डिंग के अंदर हमें देखने को मिलती है, एक वाटर कूल्ड वेल्डिंग के अंदर देखने को मिलती है। इसका जो मेन की फीचर है, दैट इज हिज वेट ऑफ गन एंड द वेट ऑफ द मशीन, जो इसको सबसे ज़्यादा पोर्टेबल बनाता है। तो अगर आप कुछ इस तरह का वर्क करते हैं जहाँ पे आपको वेल्डिंग मशीन कैरी करना पड़ता है, ऑन साइट वर्क करते हैं जहाँ पे आपको मशीन को साइट पे लेके जाना पड़ता है, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज आप इसको साइट पे लेके जा सकते हैं, इजी टू कैरी है, सिंगल फेस इलेक्ट्रिक कंजप्शन के साथ में आती है, जो इसका पावर इनपुट है वो सिंगल फेज रहेगा। तो आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको जो है एक सॉकेट के अंदर जो है यूज़ कर सकते हैं, सिंगल फेज कनेक्शन देके आप वेल्डिंग को रन कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनी ऑफ द वाटर चिलर टू कैरी विद दिस मशीन। दोस्तों, एट द एंड हम कुछ कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं। ये मशीन जो भी हमारी पोर्टेबल लेजर वेल्डिंग मशीन है, ये हमारी वाटर कूल्ड वेल्डिंग मशीन से कॉस्टली है। एंड उसका रीज़न ये है कि जो इनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है हमारी पोर्टेबल लेजर वेल्डिंग का, वो ज़्यादा है नॉर्मल एक वाटर कूल्ड वेल्डिंग के कंपैरिजन में। बिकॉज वाटर कूल्ड वेल्डिंग के अंदर डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, दे आर मोस्टली असेंबल्ड मशीन, जहाँ पे कंट्रोलर एक डिफरेंट होता है, सोर्स एक डिफरेंट होता है
एंड आपके गन एक डिफरेंट होती है। बट इन द केस ऑफ पोर्टेबल एयर कूल्ड वेल्डिंग मशीन, ये जो मशीन है ये कंप्लीट एक यूनिट होता है जो एक कंप्लीट फैक्ट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। लाइक मैक्स इज मेकिंग देयर ओन मशीन जहाँ पे वो गन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, गन भी लगा रहे हैं, एयर कूल सिस्टम भी लगा रहे हैं, सोर्स को भी जो है उन्होंने एयर कूल्ड किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है एक पोर्टेबल वेल्डिंग की, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा जाती है एक नॉर्मल वाटर कूल्ड वेल्डिंग की। बट डेफिनेटली आपको यहाँ पर पोर्टेबिलिटी का जो है बेनिफिट मिलता है, प्लस पॉइंट मिलता है, पोर्टेबल हो जाती है आपकी मशीन। सो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। लाइक अगर आपका कोई साइट का काम है, आपको मशीन कैरी करना है, देन सो दोस्तों दिस इज अ स्मॉल एंड क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट पोर्टेबल लेजर वेल्डिंग मशीन। एंड आपने अभी वीडियो के अंदर काफ़ी सारे मॉडल्स को देखा, IPG लाइट वेल्ड को देखा, MA सीरीज को देखा, मैक्स की X सीरीज को देखा, GW को देखा एंड अदर मशीन्स को भी देखा। सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको सबसे ज़्यादा मशीन कौन सी कंपनी का पसंद आया है। लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, उन सभी लोगों तक पहुँचाइए जिनको इस मशीन की नीड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। वी विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। साइनिंग ऑफ विवेक चौधरी। हैव अ नाइस डे।